चिकित्सा कार्य 48 घंटा में गिरफ्तार नहीं हुए तो सारा चिकित्सा कार्य यहाँ का अनुमंडल अस्पताल का सारा ठप कर दिया जाएगा। फिर पूरा पीएससी परिवार इस घटना से काफी आक्रोशित है और हम लोग जल्द से जल्द ये चाह रहे हैं कि अपराधी की पकड़ हो। एक डॉक्टर जो भगवान तुल्य समझा जाता है उस पर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, काफ़ी शर्मनाक घटनाएं हैं। सर आप थाने में आए किस लिए? जो मेरे साथ दुर्घटना हुई थी, जो मेरे पर जानलेवा हमला हुआ था, उसी के संबंध में ज्ञापन देने आए हैं। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। सर इस वक्त हम रक्सौल थाने में, और आपको बता दें कि बीते दिन रक्सौल अनुमंडलीय अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर राजीव रंजन के ऊपर हमला हुआ था। उस हमले को लेकर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई और उसी के लेके पूरी अस्पताल के जितने भी लोग हैं सभी लोग इकट्ठा हुए हैं थाना में। हालांकि इन लोगों से बात करेंगे आखिर क्या हुआ इस मामले में, और कुछ महिलाएँ हैं जो आशा कार्यकर्ता हैं, इन लोग से जानेंगे। अच्छा ये बताइए, बोलो थाना में आयल बनी काहे खातिर थाना में आयल बनी? हमने के प्रभारी सर के ऊपर जानलेवा हमला भेल, मारपीट कर लखलो रास्ता में होके चल। अच्छा तो हमला हो गई रहे तब क्या दिक्कत रहे? अभी नहीं के मतलब कोनो खुजी पूछ नहीं, गिरफ्तारी नहीं के भाई ना एक आदमी को पहचान लिए है। गिरफ्तारी हो गया उनका? नहीं अभी नहीं हुआ है। मतलब क्या बोले हैं सर? सर बोले कि एक आदमी की पहचान में आ गया है। मैंने आप लोग गिरफ्तारी के लिए आए थे और पिस्टम दिखा रहा था जान मारने के लिए वहाँ बोल रहे थे प्रभारी से। तो चलिए प्रभारी साहब भी आ रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन तत्काल आपको बता दें, बीते दिन अनुमंडलीय चिकित्सा पदाधिकारी के ऊपर हमला हो गया था ब्लॉक रोड स्थित, लेकिन लगभग 2-3 दिन बीत जाने के बाद भी अपराधी को गिरफ्तारी नहीं हो पाई और उसी को लेकर सभी जितने भी अस्पताल के कर्मी हैं वो लोग उपस्थित हैं। लेकिन जानेंगे डॉक्टर राजीव रंजन जी से कि क्या आप थाने में आए किस लिए? जो मेरे साथ दुर्घटना हुई थी, जो मेरे पर जानलेवा हमला हुआ था, उसी के संबंध में ज्ञापन देने आए हैं। अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है, हम लोग डर के माहौल में रह रहे हैं। अच्छा सर आप लोग आए हैं थाने में तो क्या बताया गया थाने से? अब बोल रहे हैं कार्रवाई अनुसंधान चल रहा है, जब होगा तब देखा जाएगा। अभी बताया जा रहा है कुछ लोगों को चिन्हित कर लिया गया है। अब ये तो वही लोग जानते हैं, हम लोग तो पहचानते नहीं है चिन्हित हुआ है कि नहीं, हम तो नहीं। लेकिन पूरा दल बल के साथ सर आप थाने में पहुंचे हैं तो कुछ तो वो लोग बताए होंगे, ऐसे तो आपको वापस नहीं कर देंगे। बोल रहे हैं कि अनुसंधान चल रहा है, जल्दी ही होगा काम, जल्दी गिरफ्तारी किया जाएगा। लेकिन ये मामला 2 दिन का हो गया, 3 दिन हो गया, 3 दिन का हो गया। और बताया जा रहा है कि जो गाड़ी था, एक जिस गाड़ी के आगे भी पुलिस लिखा हुआ था। हाँ सीसीटीवी फुटेज में तो ऐसा ही दिख रहा है। ये भी कुछ आशा कार्यकर्ता उनके द्वारा बताया जा रहा है कि हमारे परिवारी के ऊपर मतलब वो पीषण वगैरह लेके भी आए थे कि इनको जान से मार दिया, ऐसा ही बात है क्या? मनसा वैसी हो सकती है, वैसी हो सकती पिस्टल उनके साथ नहीं था? नहीं ये हम तो वो तो ऐसा कुछ दिखा रहा था सर, पता नहीं पिस्टल रखा था, वो रखा ही होगा जब उस तरह से। क्या कहना चाहेंगे सर आप? पूरा दल बल के साथ है, अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से पूरा चिकित्सा कार्य 48 घंटा में गिरफ्तार नहीं हुए तो सारा चिकित्सा कार्य यहाँ का अनुमंडल अस्पताल का सारा ठप कर दिया जाएगा। फिर आगे फिर जिला स्तर का ठप किया जाएगा, फिर राज्य स्तर का। लेकिन आम लोग का क्या गलती है सर, ठप कर दीजिएगा आम लोगों की परेशानी? आम लोग मुझे सिर्फ गिरफ्तार चाहिए, जिन्होंने इस पर हमला किया मुझे वो गिरफ्तार चाहिए अपराधी। जब डॉक्टर ही नहीं सेफ है तो क्या किसी का इलाज करेगा? क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला कि चिन्हित किया गया है, धरपकड़ होगा, गिरफ्तारी होगी। हम लोग ने अल्टीमेटम 72 घंटा का दिया हुआ है, नहीं होता है तो फिर आगे हम लोग हड़ताल करेंगे। क्या कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब आप सभी? अगर चिकित्सक लोग सुरक्षित नहीं रहेगा तो फिर आम पब्लिक क्या रहेगा? हम लोग चिकित्सा क्षेत्र में आते हैं, रात में आना पड़ता है, कभी भी इमरजेंसी होता आते हैं, अगर हम लोग सुरक्षित नहीं रहेंगे तो हम लोग मरीजों का क्या इलाज करेंगे? अभी तक खुलासा हुआ है कि नहीं कि क्या कारण हो सकता है सर के ऊपर हमले का? ये तो प्रशासन अपने स्तर से कार्रवाई करे ना, जब अपराधी पकड़ में आएगा उसका क्या मोटिव था, किस मकसद से गया था, तो आप प्रशासन पहले पकड़े उसके बाद ही सब मामला सामने आएगा। हालांकि प्रशासन के लोग आश्वस्त कर दिए, आश्वासन दे दिए हैं कि जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ा जाएगा और उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, लेकिन दिन दहाड़े जिस प्रकार से हमला हुआ कहीं ना कहीं ये प्रशासन के लिए चिंता का विषय है। और सर क्या कहना चाहेंगे सर? सर हमारा पूरा पीएससी परिवार इस घटना से काफ़ी आक्रोशित है और हम लोग जल्द से जल्द ये चाह रहे हैं कि अपराधी की पकड़ हो। एक डॉक्टर जो भगवान तुल्य समझा जाता है उस पर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, काफ़ी शर्मनाक घटनाएं हैं, तो हम यही थाना में हम लोग कहने आए थे। बिल्कुल आगे भी बने रहिएगा, आगे भी जैसे भी अपडेट आएगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बस फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। तब तक के जय हिंद।